गारा होगा, जैसे यहाँ रेत और सीमेंट का गारा होता है, वहां जन्नत में मुश्क और अंबर का गारा होगा। और एक गेट सोने की होगी और एक गेट चांदी की होगी। हमें जिंदगी में सोने और चांदी के गेट भी नहीं देखे, देखिए किसी ने, और देखिए भी किसी ने, किसी ने। वहां जन्नत में सोने चांदी की ईंटों का महल होगा और उसके दो चार कमरे ही होंगे, बल्कि 70 यानी गुजराती में 70,000 कमरे होंगे। हर कमरे के 70,000 दरवाजे और हर दरवाजे पर 70,000 फरिश्ते हमारे इस्तकबाल के लिए, हमें वेलकम कहने के लिए खड़े होंगे। इतना बड़ा महल अल्लाह जन्नत में देंगे तो जन्नत कितनी बड़ी होगी। जन्नत में किस्म किस्म के फल और फ्रूट अल्लाह तला देंगे। दुनिया में आदमी जो एप्पल खाता है ना, तो उसका टेस्ट कितना होता है? एप्पल का टेस्ट कैसा कितना होता है? कितने टेस्ट का एप्पल आता है दुनिया में, किसी को पता है? अरे बोलो नहीं, आप कितने टेस्ट का होता है? मीठा होता है, उन्होंने जब खाया तो मीठा होता है, किसी और कोई टेस्ट चखा नहीं है? खट्टा कच्चा आ गया हुआ शायद, इसके लिए खट्टा लगा। और तीसरा कोई टेस्ट है? खट्टा मीठा तो मिक्स भी आया। और कोई मजा टेस्ट फीका भी आ गया, थोड़ा चार टेस्ट हुए। और जन्नत में अल्लाह ताला जो एप्पल देगा ना, आदमी उसको काटेगा तो उसमें 70 कलर यानी 70 कलर का एक एप्पल होगा और हर कलर का टेस्ट अलग होगा। यानी एक एप्पल 70 टेस्ट का होगा। सुन लो, अल्लाह ताला ने किसके लिए बनाया? अरे बोलो यार, ईमान वालों के लिए अल्लाह ने बनाया है ना। जन्नत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात होगी, सहाबा से मुलाकात होगी, जन्नत में अल्लाह का दीदार होगा। हमारे दिल की जो इच्छा है तमन्ना है वो दुनिया में पूरी नहीं होगी। ये दुनिया ख्वाहिशात पूरी करने की जगह, बोलो नहीं है, ख्वाहिशात पूरी करने की जगह जन्नत है। जन्नत में हमारे दिल की जो चाहत होगी वो सारी चाहत अल्लाह जन्नत में पूरी करेंगे, दिल की हर चाहत पूरी करेंगे। उस जन्नत के दाखिले के ईमान जरूरी है, वो ईमान अल्लाह ताला ने हम सबको अता फरमाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत धीरे बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी धीरे बोलते हो, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्लाह ताला ने हमें ईमान दिया, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा हम पर एहसान है। पूरी जिंदगी हमें कोने में सिजदे में गुजार देवे फिर भी उसका शुक्र अदा नहीं हो सकता है ना। तो अल्लाह ताला ने हमें ईमान दिया है, उसका हम रोजाना नमाज पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करें। आदमी जब नेमत का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला नेमत में बढ़ोतरी करता है। क्या करता है बोलो भाई? नेमत में अल्लाह ताला बढ़ोतरी करता है। जब नेमत की नाशुक्री होती है तो अल्लाह नेमत को छीन लेते हैं। तो आदमी जब नेमत, अल्लाह ने ईमान की जो नेमत दी है उस पर रोजाना शुक्र अदा करेगा, अल्लाह ताला नेमत में बढ़ोतरी करेगा, अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखेगा, ईमान बाकी रहेगा और ईमान के साथ दुनिया से आदमी की रुखसत होगी, ईमान के साथ आदमी की मौत आएगी। अब ईमान क्या है? हमने जो कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कलमे का मतलब क्या है कि दुनिया के अंदर सारी चीजें नफा और नुकसान पहुंचाने में एक अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। अल्लाह जल्ल शानू दुनिया में किसी चीज के मोहताज नहीं। इज्जत और जिल्लत किसके हाथ में? बोलो भाई, बोलो किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। कामों का बनाना और बिगाड़ना ये अल्लाह के हाथ में। मौत और जिंदगी अल्लाह के कब्जे कुदरत के अंदर है। बीमारी और तंदुरुस्ती अल्लाह के हाथ में। रोजी कम देना, रोजी ज्यादा देना ये अल्लाह के हाथ में। सारी दुनिया अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। अल्लाह जल्ल शानू दुनिया में किसी चीज के मोहताज नहीं है। वही हमें खिलाता है, वही पिलाता है, वही अल्लाह हमारी सारी जरूरत को पूरी करता है। उसी के कब्जे कुदरत पूरी दुनिया का कंट्रोल है, वही सारी पूरी दुनिया का निजाम चला रहा है। अल्लाह ताला ने ये बात समझाने के अल्लाह ने कुरान में नबियों के वाकयात बयान किए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है उनके वालिद साहब जो वो मूर्तियां बनाते थे और मूर्ति बनाकर बेचते थे, तो उन्होंने अपने वालिद साहब से समझाया कि अब्बा आप अपने हाथों से खुदा बना रहे हैं, वो खुदा कैसे हो सकता है जो अपने हाथों से बना हुआ हो? अब उसकी
पूजा करते हैं। वो जो भी है हम तो अपने बाप दादा की दीन पर उन्हीं माने कहा तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से दुआ करूंगा। तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो कौन को समझा, पब्लिक को समझा, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया। तो उन्होंने तदबीर की, जब उनका एक मेला था तो सब लोग मेले में गए हुए थे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ा ली और जितनी छोटे छोटे बूत थे ना वो सब तोड़ दिए, और वो कुल्हाड़ा जो सबसे बड़ा बूत था ना उसके कंधे पर रख दी। और जब सब मेले से वापस आए देखा कि ये तो सारे बूत तो टूटे हुए हैं, किसने किया, किस अहमक ने, बेवकूफ ने सब काम किया। अब पता चला कि भाई एक ही आदमी है जो हमारे माबूद और हमारे खुदा को बुरा कहता है, वही हो सकता है। तो सबने उनको बुलाया, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मौका मिल गया। उन्हें कहा भाई आप जो है आपके जो बड़ा बूत है, आपका बड़ा माबूद जो है उसी से पूछ ली, उसके कंधे पर कुल्हाड़े, हो सकता है उसने मारा, उसी से पूछ ली। सब लोग कहने लगे कि भाई ये थोड़ा बोलेगा, बूत थोड़ा बोलेगा, देखो तुम्हारा माबूद ऐसा कैसा कि बोल भी नहीं सके, तुम्हारा ऐसा माबूद कैसा जो अपने खुद की हिफाजत नहीं कर सके। तो सब लाजवाब हो गए लेकिन हट धर्मी बन रहे, कबूल नहीं किया ईमान को, इस्लाम को, लेकिन अल्लाह ताला समझाता है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूसरी तदबीर की समझाने के लिए कहा वे चांद और सितारों को, हादसे चांद और सितारा हो सकता है खुदा हो, लेकिन जब उजाला हो तो क्या होता है, चांद सितारा बोलो गायब हो जाते, तो ये खुदा नहीं हो सकता है, जो गायब हो जाए खुदा नहीं हो सकते। फिर कहा चांद सितारे गायब हो, सूरज निकला इसके लिए चांद सितारे गायब हो गए, हो सकता है सूरज हमारा खुदा हो। शाम हुआ तो सूरज भी क्या होता है बोलो, गायब हो गया, सूरज भी डूब गया, कहीं खुदा नहीं हो सकता, जो गायब हो जाए जो अपना वजूद खत्म कर दे वही भी खुदा नहीं हो सकता। तो चांद सूरज भी खुदा नहीं, सूरज सितारे भी खुदा नहीं, तो खुदा कौन, पालने वाला कौन, पालने वाला खुदा और जरूरत को पूरी करने वाला एक अल्लाह है जो सूरज को निकालता है और सूरज को गुरु करता है, चांद और सितारों पर जिसका कंट्रोल है। तो बादशाह को पता चला नमरूद को, तो नमरूद ने कहा खुदा तो मैं हूं, मैं पालनहार हूं, मैं सबको खिलाता हूं पिलाता हूं, लेकिन मेरा खुदा वो है जिसके हाथ में मौत और जिंदगी है। तो नमरूद ने कहा मैं भी मार सकता हूं, जिला सकता हूं, देखो एक आदमी को बेकसूर कर उसको कतल कर दिया, देखो मैंने उसको मार दिया, और एक कसूर वार था जैन में उसको बोला कहा देखो मैं उसको आजाद करूँ, मौत की सजा देने दी और उसको मैंने छोड़ दिया, देखो मौत और जिंदगी मेरे हाथ में है। तो अब ये दलील से तो मानने वाला नहीं था ये, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसके सामने कहा कि देखो मेरा खुदा वो है जो सूरज को निकालता है पूरब से और पश्चिम में उसको गुरूब करता है, अगर तू खुदा है तो सूरज को पश्चिम से निकाल और पूर्व में उसको गुरूब कर। अब उनको हो सकता है, तो बोल इंसानों से हो सकता है, नहीं हो सकता। अब वो लाजवाब हो गया लेकिन फिर भी नहीं माना, कहा कि उसको आग जलाओ और उसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालो। अब इतनी बड़ी आग जलाई कि अतराफ की सारी चीजें जल जाती, ऊपर से कोई परिंदा उड़े तो भी जल के अंदर गिर जाए, इतनी बड़ी आग जलाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गोफन के बड़ी गिलोल बनाई, गोफन बनाई और उससे उनको आग में डाला गया, लेकिन आग जलाने में अल्लाह के हुक्म की बोलो मोहताज, अरे बोलो नहीं यार मोहताज, हाँ अल्लाह के हुक्म की मोहताज है, आग अल्लाह के हुक्म के बगैर जला नहीं सकती है, अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में है, अल्लाह का हुक्म है आके सलामती वाली बन जाए हमारे खलील के लिए, हमारे दोस्त के लिए, तो आग जल रही है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अंदर है लेकिन आग उनको जला नहीं सकी, समझना ना। तो ये वाकई अल्लाह ताला ये कुरान के अंदर बयान करके अल्लाह हमें ईमान समझा रहा है, समझे, अल्लाह ईमान समझा रहा है कि करने वाले जात एक अल्लाह की है, अल्लाह के हुक्म के बगैर दुनिया में दरख का एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है, सारी मखलूक अल्लाह की मोहताज है, अल्लाह दुनिया में किसी चीज का मोहताज नहीं, दुनिया में 750 करोड़ इंसान है, सब मिलकर एक तरफ हो जाओ हमें फायदा पहुंचाना चाहे, लेकिन अल्लाह न चाहे
तो दुनिया के 750 करोड़ इंसान मिलकर हमें फायदा नहीं कर सकते, और दुनिया में 750 करोड़ इंसान मिलकर हमें नुकसान करना चाहे, लेकिन अल्लाह न चाहे ये सब मिलकर हमारा नुकसान भी बोलो नहीं कर सकते। नफा और नुकसान किसके हाथ में है? अरे बोलो किसके हाथ में है? बहुत धीरे बोल रहा है, बोलो किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में, उसी के कब्जे कुदरत में पूरी दुनिया का कंट्रोल है। अल्लाह आसमान पर जो फैसला करते हैं वही जमीन पर वो चीज वजूद में आती है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो आसमान पर अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। बोलो किसके हुक्म से हो रहा है? अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। वो अल्लाह हमारे फेवर में हो जावे, वो अल्लाह हमारे फेवर में हो जावे, वो अल्लाह हमारे साथ हो जावे, वो अल्लाह हमारा बन जावे, उसके लिए हमारे पास एक रास्ता है। वो कौन सा रास्ता है? बोलो कौन सा रास्ता है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह का वली बनना है, बोलो किसको किसको बनना है? किसको किसको अल्लाह का वली बनना है? सबको बनना है ना। तो अल्लाह का वली बनने के लिए, अल्लाह का दोस्त बनने के लिए बहुत आसान है। खाते पीते सोते हम अल्लाह का वली और दोस्त बन सकते हैं। खाते पीते सोते जिंदगी जैसे हम अभी गुजारते वैसे गुजारने की, और अल्लाह का वली और दोस्त बन सकते हैं। शर्त एक है, हम अपनी जिंदगी का हर काम हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करें। बोलो आसान है कि मुश्किल है? अरे बोलो आसान है कि मुश्किल है? आसान। देख खाना खा रहे नबी के तरीके पर खाए, पानी पी रहे तो नबी के तरीके पर पिए, कपड़ा पहन रहे तो नबी के तरीके के मुताबिक कपड़ा पहने, सीधे हाथ से सीधे पैर से पहन, ऐसे बाल कटवा रहे तो नबी के तरीके के मुताबिक कटवा रहे, इबादत है। रात को सो रहे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक सो जा, सोना इबादत है। हमें इस्तिंजा करने के जा रहा है, पेशाब अपनी पाखाना हाजत के लाल में जा रहा है, सुन्नत तरीके के मुताबिक जावे, सर ढक के जावे, जूते पहन के जावे, उजे दुआ पढ़ के जावे, उल्टे पैर से जावे निकले तो सीधे पैर से निकल कर दुआ पढ़ ले, इबादत हो गई। घर से निकले तो सलाम करके दुआ पढ़ के जावे, आवे तो सलाम कर दुआ पढ़ के घर में आवे। हर काम हमारा अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होगा तो हमारा हर काम इबादत बन जाएगा। और आदमी 24 घंटे की जिंदगी में जितना सुन्नतों का एहतमाम करेगा वो आदमी उतना अल्लाह से करीब हो जाएगा। और जब करते 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 जब सुन्नतों की पाबंदी जिंदगी में आ जाएगी तो फिर अल्लाह का दोस्त बन जाएगा, ये अल्लाह का हवाला बन जाएगा। कैसे बन जाएगा बोलो? हाँ, अरे माँ क्या ना तुम्हारो हवालो छोकर शू कह माँ बाप क्या ना मारो, तो अल्लाह तला कहे मारा हवालो बंद हो जाए। क्यों क्या मारो हवालो बंद हो जाए? कि मारा नबी ने जिंदगी ना हर एक एक वस्तु पर अमल करे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए कामयाबी के लिए रास्ता है। हमें जिंदगी किसी मोड़ में, हमें जिंदगी किसी हाल में किसी से हमें जो कोई अमल लेने की जरूरत नहीं, कोई रहबरी लेने की जरूरत नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के हर मोड़ में हर हाल में हमारे नबी हमको रहबरी किए कि जिंदगी में इस मोड में इस हाल में क्या करना है। हमने पूरी जिंदगी हमें सिखाई कैसे जीना। दुनिया की सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोले है क्या नहीं? अरे बोलो है क्या नहीं? बहुत धीरे बोलते हैं। दुनिया की सबसे अकलमंद व्यक्ति हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और हमारा नबी से ज्यादा दुनिया में अकलमंद है? अरे बोलो है नहीं है? तो दुनिया की सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति और दुनिया की सबसे अकलमंद व्यक्ति ने जिंदगी गुजारने के जो तरीके पसंद किए हो उससे बेहतर तरीके दुनिया में और कोई हो सकते हैं? अरे बोलो हो सकते हैं? अरे बोलो हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो नबी की जिंदगी सबसे बेहतरीन जिंदगी, नबी की जिंदगी सबसे श्रेष्ठ जिंदगी, वो फिर हमारी जिंदगी में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? उसकी हमारी कामयाबी है, उसका यकीन हमें होना चाहिए। देखा नहीं कि शर्मा सर में बोलते पूरे यकीन के साथ पूरे विश्वास के साथ हम अपने नबी के तरीकों पर जिंदगी गुजारेंगे तो उसमें मेरी कामयाबी है। रजी अल्लाह बताऊ एक दौरे पर थे, रूमी लोग दस्तर बार पर खाना खड़े थे, बड़े बड़े सरदार थे, उन्होंने इकराम किया, धोबी साथ में खाने के लिए बैठे, खाते खाते हाथ में से लुकमा गिर गया,
तो क्या करना चाहिए? उस लोग को उठा कर फेंक देना चाहिए। क्या करना चाहिए बोलो, क्या करना चाहिए? साफ करके उठाकर साफ कर उसको। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। देखो लुकमे को साफ करके और एक लुकमा गिर जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? आगे एक बरिन चावल पड़ा है, एक लुकमो खाया हो फर्क पड़े भाई। उंगली में दाने अगर खाने के बाद उंगली पर दाने छोड़ रहे तो क्या करेगा? अरे बोलो क्या करेगा? उंगलियों को चाट लेने का ना। फिर प्लेट में भी दाने छोड़े दो, बोलो उसको क्या करेगा? लेकिन हमारे दीन की हम ये तालीम है कि अल्लाह की दी हुई रिश्त की हम इतनी कदर करते हैं, एक लुकमा गिर गया उसको भी जाया नहीं करेंगे, उंगली में अगर दाने छोड़े तो उसको भी जाया नहीं करेंगे, प्लेट में अगर छोड़ा तो उसको भी साफ करके खा जाएंगे। हम अल्लाह की दी हुई रिश्त की इतनी कदर करेंगे, उसकी ना कदरी। अब हम शादी में जावे होटल में जाते क्या करते? हम अल्लाह की रोजी का बिगाड़ नहीं करेंगे। दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिनको एक वक्त 24 घंटे में खाना मैसर नहीं होता है। हम अल्लाह की दी हुई रिस्क ऐसा बर्बाद करेंगे, हमसे ऐसे जाया कर देंगे। एक बुजुर्ग के सामने एक नौजवान को दावत की रोटी खा रहा और अच्छी अच्छी रोटी निकाल रहा है, बुरी बुरी रोटी को जली हुई बुरी रोटी, मतलब थोड़ी जली हुई निकाल अच्छी अच्छी रोटी। तो उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा जिस रोटी को बुरी समझ के छोड़ रहा है ना, उस रोटी को तुझ तक पहुंचने के लिए अल्लाह के 360 मखलूक काम में लगी है। इतने बोलो, मीकाईल अलैहिस्सलाम हमारे मुकद्दर की रोटी अल्लाह के खजाने से निकालते हैं और घर की औरतें रोटी पका के हमारे सामने रखती है, उसके बीच में अल्लाह की 360 मखलूक काम करती है, तब रोटी हमारे सामने आती है, सब्जी हमारे सामने आती है, और हम घर में नखरे कर दे, मनानी खाओ तुम, मनानी खाओ तुम, नानी खाओ। ये अल्लाह की दी हुई नेमत की क्या बोलो ना कदरी है, ना शुक्रिया हम कर रहे हैं। हम जिस चीज को ये कह के रद्द कर रहे हैं कि मैंने नहीं खाओ तो मन नहीं खाओ ना नहीं खाओ तू, दोस्त बुजुर्गो जैसा खाना दुनिया में लाखों लोगों को मिलता भी नहीं है, भूखे सो जाते, भूखे सो जाते। तो नियत को इंशाल्लाह अल्लाह की नेमत की नाकदरी नहीं करेंगे, कभी खाने का बिगाड़ नहीं करेंगे, अभी खाने के बाद पता चल जाएगा प्लेट में कितना थार में कितना लास्ट में बचता है। देखो ये हमारी जिंदगी में आना चाहिए, असल तालीम हमारी ये है, हमारी जिंदगी में आना चाहिए। सिर्फ सुनने के लिए मैंने कहा कि आपने सुन लिया, प्रैक्टिकल हमारी जिंदगी में अमल में आना चाहिए, मस्त है जिंदगी में अमल में लाने का। तो उसे फर दे रहा तो लुकमा गिर गया तो उठा के खाने जा बाजू बैठा, आदमी ने कहा हजरत ये बड़े बड़े सरदार मोटा मोटा अधिकारी वाला बैठा, ये नीचे पड़ी चीज को खाने को ऐब समझते है, अब उसको मत खाइए। तो आप माहौल करो पड़े है ना, सहाबा को यकीन था, पूरी बसीरत पूरा विश्वास था कि मेरी नबी की जिंदगी में मेरी कामयाबी है। हमने समाज का लोगों का रिवाज का फैशन का कलमा नहीं पढ़ा है, हमने कलमा कैसा पढ़ा बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह यानी एक पग दूध में एक पग दही में, पूरे पूरे दिन में दाखिल हो जाओ। लेकिन सलमान फारसी ने क्या कहा, फकर से कहा हमारे नबी ऐसे जिन्होंने हमको इस दिन जगह भी तरीका सिखाया, कितनी छोटी सी बात हमारे नबी ने हमको सिखाई है। हाँ जवाब न दे जमाने तो हांगकांग गए वाया हांगकांग पर, ऐसे तो हांगकांग एयरपोर्ट पर गए ना तो टॉयलेट कर रहे हैं यहाँ, तुम्हारा टॉयलेट धोने के लिए पानी नहीं, अब क्या करने का बोलो,
उसको क्या कर दोगे? तीसरी में थोड़े साफ कर दे। अब पूरे दिन नापाक ना गंदे समझ में आए ना, ऐसे फिरते रहे। अब ऐसे लोगों के तरीके पर हम जिंदगी गुजारे जिनको क्या बोले यार, धूं लेके पूरे दिन फिरते रहे। ऐसे लोगों की जिंदगी गुजारे, ऐसे लोगों देख के हमें जिंदगी गुजार गई। तो हमारे ये आइडियल नमूना सैंपल पर है बोलो, हमारे नबी की जिंदगी बेहतरीन तालीम है, सबसे बेहतरीन तालीम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है, पाकी है, साफी है। नबी की जिंदगी को आज़र भाई अपने स्टूडेंट का जोर था, उसने एक सवाल किया था कि इस मजमे में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ा हो? आग बुझा करो, इस मजमे में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ा हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस नबी को हम मानते हैं, हम जो है जिस नबी को मानते हैं कम से कम उनकी जिंदगी एक मरतबा तो पढ़े, पता तो चले हमारे नबी जी कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। दुनिया के सबसे बेहतर जिंदगी के हर मोड़ में हमें हमारे नबी की जिंदगी समय रहबरी मिलेगी। जिंदगी में जो हालात मसाइल परेशानी उलझने जो आती है उसमें हमें रहबरी मिलेगी। अब देखो आपस में बात करने को नहीं कहा, इधर बोलते बस हो जाए दुरुस्त भी पड़ जाएगी। मतलब اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم। तो हम अपने नबी की जिंदगी पढ़े और उसको अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करें। हाँ, वो पांच वक्त की नमाजों का इंतजाम है और कुफ्र और शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुना नमाज छोड़ना, चोरी करने से बड़ा गुना नमाज छोड़ना है, जीना करने से बड़ा गुना नमाज छोड़ना है, किसी को कत्ल कर देने से बड़ा गुना नमाज छोड़ना है, आदमी जुआ खेले शराब पी इससे भी बड़ा गुना जो है नमाज को छोड़ना। बड़ा गुना जीना करने से बड़ा गुना आदमी जुआ खेले, कोई शराब पिए, किसी को कत्ल कर दे, इससे बड़ा गुना जो है नमाज छोड़ना है। लेकिन आप मुसलमान नमाज छोड़ने को गुना नहीं समझते, नमाज छोड़ने को बोलो अल्लाह धर्मों के दारू पीना हो तो अब्बा दारू पीना ही है तो एक उदाहरण माड़े समझा माड़े गुरु कैसा हो जाएगा माहौल घर में, पूरे सोसाइटी में माहौल कैसा हो जाएगा? अब वो कितना हवा खड़ा कर देंगे, उसको क्यों गुना समझते? लेकिन घर में कोई नमाज ना पढ़े तो अब्बा नमाज नहीं पढ़ते, भाई नमाज नहीं पढ़ते, अम्मी नमाज नहीं पढ़ते, कोई अफसोस हमको होता है? सोचे 500 के नोट जेब में से गिर गए तो हमें दुख हो जाएगा कि नहीं होता? अरे बोलो यार भाई, होता है कि नहीं होता? मेरे को होता है, तुमको होता है? 500 के नोट जेब में से गिर जाओ तो दिल में दुख होता है कि नहीं होता है? सच बताओ, दिल पर हाथ रख के 500 के नोट जेब में से गिर जाने से जितना दिल में दुख होता है कि इतना दुख नमाज कजा होने पर होता है कि आज मेरी फजर की नमाज कजा हो गई, क्या उस पर हमें इतना दुख होता है जितना 500 के नोट गिर जाने से होता है? क्या मतलब कि हमारे दिल में 500 के नोट की दिल में जितनी वैल्यू है उतनी हमारे दिल में नमाज की वैल्यू नहीं है। हालांकि नमाज की कीमत कितनी है, हदीस का खुलासा मफहूम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक नमाज का छोड़ना वो नुकसान के एतबार से ऐसा है जैसा उसके घर कारोबार बीवी बच्चे माल दौलत सब लूट गया, सब खत्म हो गया, इतना नुकसान एक नमाज के छूटने पर है। एक नमाज के छूटने पर हमें इतना दुख होना चाहिए जितना आदमी के माल दौलत बीवी बच्चे सब खत्म हो जावे, अकेला बाकी रह जावे, इतना नुकसान आदमी के दिल में होना चाहिए। एक सहाबी बाग में नमाज पढ़ रहे, अब बाग में नमाज कौन सी पढ़ने की, फजर की जोहर की? बोलो ना यार, तो फजर की पढ़ने की जोहर की पढ़ने की बाग में चार की कौन सी नमाज पढ़ने की? नफल नमाज पढ़ा तो कहाँ पढ़ेंगे? और बोलो कहाँ पढ़ेंगे? पीछे वाला बोलते नहीं यार। हाँ, फर्ज नमाज तो मस्जिद में पढ़ेंगे,
क्योंकि मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ना ईमान की निशानी है, घरों में नमाज पढ़ना मुनाफिक की निशानी है। मुनाफिक किसको कहते हैं? जाहिर में अपने आप को मुसलमान कहते, दिल में कुफ्र हो उसको मुनाफिक कहते हैं। तो घरों में नमाज पढ़ना मुनाफिक की निशानी है, मस्जिद में नमाज पढ़ना ईमान की निशानी है। ईमान पर आदमी चाहता है कि मेरा खात्मा ईमान पर हो जावे, मेरी मौत कलमे के साथ आ जावे, तो आदमी मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़े। हदीस का खुलासा मफहूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको मस्जिद का आदमी देखो उसको ईमानदार होने की गवाही दो। और एक जगह फरमाया कि नमाज के औकात में मलिकुल मौत देखते ध्यान रखते कौन मस्जिद में आता है, कौन नमाज में आता है। जो आदमी मस्जिद का आदि होता है, जब उसके मौत का वक्त आता है तो मलिकुल मौत शैतान को उससे दूर करता है पहले, फिर उस आदमी को कलमा पढ़ाता है, फिर उसकी रूह कब्ज कर देता है। अभी मसूद रजी अल्लाह तो फरमाते हैं, जिसका खुलासा मफहूम है, अगर तुम चाहते हो कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में मुसलमान बनकर हाजिर हो तो ऐसी जगह पर नमाज पढ़ो जहाँ अजान होती हो, यानी मस्जिद में। अगर तुम फलाने की तरह घरों में नमाज पढ़ने वाले बन जाओगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ने वाले बनोगे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे। यानी मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ना अल्लाह के दरबार में आदमी मुसलमान बनकर हाजिर होगा। तो मुसलमान के हाजिर कब होगा? जब मुसलमान बनके मरेगा तब। मुसलमान बनके आदमी कैसे मरेगा? मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ो तो ईमान के साथ मौत आएगी। अगर तुम ये मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ना छोड़ दोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे, यानी सीधे रास्ते से भटक जाओगे, जन्नत के रास्ते से भटक जाओगे, जहन्नम वाले रास्ते पर चले जाओगे। तो बाजमात मस्जिद में नमाज पढ़ने का अहतमाम हमारी जिंदगी में हो, जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे, सब नियत करें इंशाअल्लाह। वो सहाबी कहाँ नमाज पढ़ रहे थे? अरे बोलो कहाँ नमाज पढ़ रहे थे? बाग में। नमाज कौन सी होती है? नफिल नमाज। नफिल नमाज बाग में पढ़ रहे हैं, और नमाज पढ़ते पढ़ते बाग जो है ना बहुत हरा भरा था, नहीं खजूर का बाग था, और बड़ी खजूर ऊपर झुमका ना झुमका, लोमो ने लोमो खजूर लटकती। अब उनका ध्यान उस तरफ चला गया, रकात भूल गए। कौन सी रकात? उनको इतना सदमा हुआ, उस सदमे में 2 लाख रुपये का बाग सदका कर दिया। कितने लाख रुपए का? अरे बोलो कितने लाख का? जोर से बोलो। 2 लाख रुपये का बाग सदका कर दिया। अपने 2 रुपये की पैर भी सदका करते कभी? यार मेरी जोहर की नमाज कजा हो गई, फजर की नमाज कजा हो गई, चलो 5 रुपया सदका कर दे, 10 रुपया सदका कर दे। हमारा नजदीक अहमियत नहीं, उस कदर नहीं है। कोई आदमी स्टूडेंट समझो वजी हुआ, मैंने वजी फॉर्म पर एग्जाम पास तो किया है ना। सबसे बड़ा वजीबा क्या है? 5 रुपये की नमाज। सबसे बड़ा वजीबा, सबसे बड़ा तावी 5 रुपये की नमाज की पाबंदी। 5 रुपये की नमाज की पाबंदी करे, हर फर्ज नमाज को अल्लाह ताला की दुआ कबूल कर दे, अल्लाह ताला से मांगे जो जरूरत है, परेशानी तकलीफ मुसीबत हो, हम 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से मांगे। मांगने वाले से अल्लाह खुश होता है, ना मांगने वाले से अल्लाह नाराज होता है। अब आदमी अपने दोस्त के साथ बैठा हो और बातें कर रहे हो, तो बातें करते करते अभी कभी आदमी कहता है ना, तू आगो करे अपने को कहता है, तू आगो करिए, ऐसा कोई कहता है? कितने घंटे बातें करते दोस्त के साथ? अरे बोलो ना, आप सब अपने दोस्त के साथ बैठे हो तो बातें करते करते कितने घंटे बातें करते थक जाते हैं, घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। लेकिन दुआ में हर दुआ में मांगो, नमाज नहीं पढ़ती क्यों मांगो? मतलब जैसे अपने दोस्त से बात करते हैं ऐसे अल्लाह से बातें करने की जरूरी है, उर्दू में बोलने का, अपनी भाषा गुजराती में समझना है, गुजराती में अल्लाह से बातें करने की, अपने दुखड़े अल्लाह को बोलो सुनाने का, अल्लाह ना समीप होना दुखड़ा बढ़वाना, अल्लाह ना भिखारी बनवाना, अल्लाह ना मांगड़िया, पर मांगड़िया बनवाना कौन है समीप? अल्लाह ना समीप। जो अल्लाह से मांगेगा वो मखलूक से मांगने की उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो अल्लाह के सामने हाथ उठाएगा उसको मखलूक के सामने हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मांगो उसी से जो दे, बोलो दे,
खुशी से, और कहे ना मांगो खुशी से, जो दे खुशी से, और कहे ना पीछे वाले बोलते नहीं है, मांगो पीछे वाले नहीं बोलते, मांगो जो दे और कहे ना। दुनिया वाले से मांगेगा तो मुंह बिगाड़ेंगे, अरे कहते हैं चार वक्त क्या, तो हमारे तारा आदत पड़ी गई है। लेकिन अल्लाह से बोलो बार बार मांगो, एक मरतबा नहीं 50 मरतबा 100 मरतबा मांगो, जितना ज्यादा मांगोगे उतना ज्यादा खुश होगा, जितना ज्यादा मांगेगे। हाँ, और अपने राह नहीं देखने की, क्योंकि मुसीबत आ रहा फिर दुआ मांगे, अपने दुआ कब मांगते हैं, कोई जरूरत पड़े। हाँ, परीक्षा ही इसलिए नमाज को स्टूडेंट नहीं संख्या, अंजी परीक्षा पाती तो दुआ कब मांगेंगे, जब जरूरत पड़े तब मांगेगा, कब मांगेगा बोलो, कब मांगेंगे, अरे बोलो कब मांगेंगे, रोजाना मांगेंगे, बोलो कब मांगेंगे। हाँ, रोजाना अल्लाह से दुआ मांगे, रोजाना 20 मिनट आधा घंटा रोजाना अल्लाह ताला से तन्हाई में अकेले में बैठ के अल्लाह से कहे, अल्लाह से बातचीत करे, जैसे अपने दोस्त से बातचीत करते हैं ना, अल्लाह से बातचीत करे, अपने लिए, घर वालों के लिए, अपने सोसाइटी मोहल्ले, अपने गांव वालों के लिए, पूरी उम्मत के मसाइल अल्लाह के सामने कहे। अरे रोजाना कहने का है ना, तो रोज नहीं रोजे करना तो कह रहे रोज अल्लाह के वालों, अल्लाह ने बहुत खुशी दे, अल्लाह बहुत राजी रहे। आदमी जब बंदा अल्लाह ताला से रोजाना दुआ करता है ना, और उस पर कोई मुसीबत आती है, और जब अल्लाह जब मुसीबत को अगर जो अल्लाह से बंदा पुकारता है, तो फरिश्ते कहते हैं मानुष आवाज है, रोज आती है, जल्दी उसको अल्लाह के पास पहुंचाओ, है ना। और जो कभी कभी मांगता है ना, वो मुसीबत आवे तब, तो फरिश्ते कहते हैं कैसे गैर मानुष आवाज है, नई नवी लगती है, अभी उसको पेंडिंग में रखो, है ना। जैसे अपने घर में कोई रोज आता हो और बाहर से आवाज दे, तो अपना क्या कहते हैं, आए अंदर, रोज आता खबर है आज मुआ सर, और कोई वर्षे बे वर्ष को आओ तो घूम पा रहे घर कौन है, जो तो बाहर कौन आयो, फिर अपने देख लीजिए। हाँ, आओ समझा ना, लेकिन जो रोज आता हो उसको देखने के लिए, उसको आवाज से पहचान के आ जाओ, समझा ना। तो ऐसे ही जब बंदा अल्लाह से रोज मांगता है, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ जल्दी कबूल करते हैं, और जब बंदा कोई मुसीबत ना आवे फिर अल्लाह को पुकारे, तो उसकी तो जल्दी काम, बोलो, अरे बोलो ना। हाँ, तो अल्लाह का दोस्त बनने के लिए क्या करने का, अल्लाह का दोस्त बनने के लिए जिंदगी नदी के तरे पर गुजारने की, नमाजों का एहतमाम करने का, हर नमाज के बाद दुआ मांगे, लेकिन पूरे 24 घंटे में 20 मिनट आधा घंटा लंबी अल्लाह ताला से तन्हाई में गुफ्तगु बातचीत अल्लाह ताला से करे, है ना, ताकि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जावे, अल्लाह खुश हो जावे, अल्लाह से ऐसे यारी हो जावे, अल्लाह से ऐसी दोस्ती हो जावे। जैसे कोई आदमी कहता है ना, तू ऑफिस में जाए मन नाम दे जाए ना, साहब उड़ कर जाए मन नाम दे, खाली कौन दे जाए मर्दो ने कौन करे जरूर ने खाली, तो मरू नाम दे जाए, बहुत सबल है साहब जोड़े, है ना। तो ऐसे अपना बोलो अल्लाह ताला से ऐसी यारी हो जावे, अल्लाह से ऐसी दोस्ती हो जावे, अपने भोजन के उतार कौन करो तो मन दे अल्लाह कर दीजिए, ऐसे अल्लाह से यारी हो ना। अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के अब्बा हज़रत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु जब इंतकाल हुआ, तो इंतकाल से अपने बेटे से कहा, बेटा देख 22 लाख रुपया कर्जा है देवू देवी तुम्हारे, ये देवू की लगन हमने तो कर लिया ना, कैसा कर्जा हुआ था, वो अमानतदार थे तो लोग उनकी से अमानत रखवाने के लिए मारा 2 लाख रुपया हाथों से, तेज कुछ हाथों जगह मजदूर नहीं, अब 2 लाख रुपया तब मैंने उछीना पेटे आ गया, क्योंकि अमानत ना माल हो तो बदलाए भी नहीं, अड़ाए नहीं, वापराए नहीं, तो एकदम उछीना पेटे मैंने आप ही दो, तो हमारे जन जरूर थोड़ा आड़ ले जाओ, यही 2 लाख ले शू करे सीधा को गरीब ने मैं ठीक है, एवं 2 लाख 22 लाख में देव तो उनको तो अल्लाह की याद पर भरोसा एक ही था। तो अपने बेटे से कहा कि बेटा इतना कर्जा है वो अदा कर दे, अरे जरे तारों के काम अटके ना मेरे मौला से कह देना, क्या कहा बोलो, जब भी कोई जरूरत पड़े कोई काम अटक जाए तो मेरे मौला से,
बेटे ने कहा अब्बा तुम्हारे मौला कौन? कल्ला चले जाए। अब कहते हैं मत दोस्त ने कहिए तुम्हारा दोस्त है, मेरा दोस्त अल्लाह है। मेरा दोस्त कौन है? अल्लाह। मेरा मौला अल्लाह है। उनके बेटे अब्दुल्ला कहते हैं कि जब भी मुझे कोई काम अटकता, कोई भी काम मेरा नहीं होता, कोई तकलीफ में आ जाता, मैं कहते जुबेर के मौला ये काम नहीं होता तो फौरन हो जाता। क्या कहते ए जुबेर के मौला ये काम नहीं होता तो फौरन हो जाता। तो हम भी नियत करें इंशाल्लाह, हम भी अपने रब से ऐसा ही ताल्लुक बनाएंगे। कौन कौन नियत करता है? अल्लाह से इतनी यारी और अल्लाह से इतनी दोस्ती हमारी मजबूत हो जाए। हम जो कहें अल्लाह करे, लेकिन सबसे पहले हम वो करें जो अल्लाह बोलो अल्लाह चाहता है। हम अल्लाह की चाहत के मुताबिक जिंदगी बना दे फिर हम जो कहता है कि अल्लाह करेगा हमने, और उसके लिए आसान है जिंदगी नबी के तरीके मुताबिक बना दे, पांच रुक की नमाजों का एहतमाम करे, अपनी पढ़ाई में दिल लगाकर पढ़े, मेहनत से पढ़े, वेट ना उतारे, टाइम पास ना करे, समझना ना, दिल लगाकर मेहनत से पढ़े। जैसे आमिर भाई अभी कहा ना कि अपने दोस्तों में भी, अपने क्लासमेट में भी, अपने दोस्तों में भी, अपने मोहल्ले में जो बच्चे अपना टाइम वेस्ट करते हो, मेहनत ना करते हो, पढ़ाई ना करते हो, उनको भी समझा टाइम वेस्ट नहीं कर, मेहनत से पढ़, समझना। तो अपने हमदर्दी मुसलमान जो है ख्वाही का नाम है, अपने जैसे हम अपने अपने लिए जो चीज चाहते हैं ऐसे अपने भाइयों के लिए वही चीज पसंद करेंगे। तो आपस में जो एक दूसरे की हमदर्दी होनी चाहिए, मेहनत से पढ़ना, दिल लगाकर पढ़ना, अपने अपने फील्ड में अच्छे से अच्छे नंबर पर जो है हमारे हमारे पास होना चाहिए, हमारे स्टूडेंट हमारे नौजवान, अपने अंदर अल्लाह ने टैलेंट रखा है, अपने अंदर अल्लाह ने सलाहियत रखी है, ईमान हमारे पास, अल्लाह से हमारा ताल्लुक है, हम जिस फील्ड में मेहनत करेंगे इंशाल्लाह सबसे आगे वही होगा। लेकिन अंदर सख्त होनी चाहिए मेहनत, मेहनत करके फिर नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगनी, समझना ना। ऐसा नहीं आपको वर्ष तो वाँचू नहीं अरे पची परीक्षा ना टाइम में मस्जिद मायन आप रोड़ी रोड़ी दुआ मांगे, अलग मेहनत तो करी नहीं। कोई मोड़ा से शादी ना करी, कोई मोड़ा से शादी नहीं करें कि अल्लाह औलाद आप ही दे, अरे वो होगा ऐसा? अब वो हरम में जाके काबे का पर्दा पकड़ के दुआ करें कि अपन औलाद आप ही दे, औलाद आप ही दे, पहले शादी तो कर फिर दुआ मांग, है ना। तो मेहनत करे, अपनी पढ़ाई में दिल लगाकर मेहनत करे, मेहनत करके फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगे। हमारी मेहनत से भी नहीं होगा, अल्लाह जब कामयाब करेगा तभी होगा। जो आदमी मेहनत करेगा और अल्लाह ताला से मांगेगा तो अल्लाह ताला उसको जरूर कामयाब करेगा। तो अपनी पढ़ाई में दिल लगाकर मेहनत करे, अपने वक्त को जाया ना करे, बर्बाद ना करे, और अपने स्कूल कॉलेज में सैंपल और नमूना बनाए। हर मौला साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे कि ईमान पर मेहनत करके अपने अखलाक को सही कर लो, तुम्हारे अखलाक देख के घर ईमान में दाखिल हो जाएगा। हमारे अखलाक से हमारे घर वाले खुश होने से हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले अपने जितने क्लासमेट है वो सब हमारे अखलाक से मुतासिर होने। हमारे नबी की जिंदगी के पहलू एक है कि हमारे नबी की जिंदगी का अखलाक सबसे बेहतरीन अखलाक, हाँ सबसे बेहतरीन अखलाक, अपने अंदर बर्दाश्त बर्दाश्त की ताकत पैदा करें। हाँ बहादुर वो नहीं है जो दूसरों को पछाड़ दे, हदीस का खुलासा मफहूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहादुर आदमी वो है जो गुस्से के वक्त अपने गुस्से को पी जावे, बहादुर आदमी। और एक हदीस का खुलासा मफहूम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी गुस्से के वक्त अपने गुस्से को पी जावे, गुस्से को पूरा करने की ताकत है लेकिन अल्लाह के लिए गुस्सा पी गया, अल्लाह ताला उसके दिल को ईमान के नूर से भर देते हैं। क्या करते बोलो? अल्लाह ताला उसके दिल को ईमान से, जैसे अगर पेट्रोल बाइक लेके गया पेट्रोल पंप पर, आपने कहे ना आप पेट्रोल ने डाके आके शू कर दे फुल कर दे, क्यों कहते पेट्रोल ने डाके आके फुल कर दो, ऐसे ही अल्लाह उसके दिल को ईमान से फुल कर देते हैं, भरपूर कर देते हैं, उसके दिल को ईमान से अल्लाह ताला भर देते हैं। किसके बोलो? किसको? भैया गुस्सा को पीने वाला भी ताकत है गुस्सा को पूरे करने की, और फिर भी गुस्से को बोलो, गुस्से को आप तो बाइक लेन जाता है
वो कापड़ो है उन्हें और आपने घर बोले वो ये जो भाई का आवर हो गया भाई घर घूम गया मतलब आपने क्या कहा अपने को कुछ कह नहीं सकता केवल तो मगज बेकाबू करा दे बर्दाश्त करना सीखे अपने अपनी जिंदगी में बोलचाल का सलीका सीखे आदाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया बोलना कैसे बड़ों का इकराम करना छोटों के साथ तफक्कुर करना हदीस का खुलासा मालूम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो बड़ों की इज्जत न करे जो छोटों पर रहम न करे और उलमाए दीन की कदर न करे वो हम में से नहीं है अल्लाह के नबी ने कहा ये मेरी उम्मत में से नहीं है सोचे कितनी बड़ी बात है बड़ों का रिस्पेक्ट करना बड़ों की इज्जत करना छोटे अपने छोटे भाई बहन है उनसे सफ़ोकर दरगुजर माफ करना उनकी गलतियों से दरगुजर करना ये अपने अंदर आना चाहिए माँ बाप है तो माँ बाप की खिदमत करना माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करना वो आदमी कभी अल्लाह को राजी नहीं कर सकता है जो अपने माँ बाप को नाराज करे जिसके माँ बाप नाराज है अल्लाह उससे नाराज है जिसके माँ बाप राजी अल्लाह उससे राजी हाँ तो माँ बाप को राजी करना माँ बाप को खुश करना उनकी दुआएं लेना हमारा एक दोस्त था वो कह रहे मैं जो दुआ मांगो ना वो दुआ कबूल हो जाए कैसे कहा मैं मेरी माँ के पैर दबाता हूँ क्या करता हूँ बोलो माँ के पैर दबाता हूँ और मेरी माँ का बस बेटा फिर मैं दुआ मांगता हूँ उस वक्त तो मैं जो दुआ मांगता हूँ वो कबूल हो जाती जो दुआ मांगता हूँ वो कबूल हो जाती जैसे आदमी नमाज पढ़ के दुआ मांगता है ना जिक्र करके दुआ मांगता है कुरान पढ़ के दुआ मांगता है तो माँ बाप की खिदमत करना भी क्या है इबादत है तो मैं अपने माँ बाप की खिदमत करके दुआ मांगता हूँ जो मांगता हूँ वो अल्लाह बोलो कबूल कर लेता तो माँ बाप की खिदमत करना माँ बाप के अच्छा सुलूक करना उनके रिस्पेक्ट इज्जत बहुत जरूरी है दोस्तों जो अपने उस्ताद की इज्जत करता है अपने उस्ताद की खिदमत करता है अल्लाह ताला उसको इल्म से नवाजते हैं और जो माँ बाप की खिदमत करता है अल्लाह ताला उसको माल से नवाजते हैं और ना तो माँ बाप की दुआएं लेना उनके साथ अच्छा सुलूक करना उनकी खिदमत करना उनकी बात को मानना अगर माँ बाप कुछ अपनी तरबियत के लिए डांट डपट कर दे कुछ मार दे तो उसमें बुरा नहीं लगाना बल्कि उसमें क्या समझना बोलो बोलो क्या समझना हमारी खैर ख्वाही हमारी भलाई समझना भाई हमारे माँ बाप से ज्यादा हमदर्द दुनिया में कोई और हो सकते हैं बोलो हो सकते हैं भाई जो माँ बाप अपनी सारी ख्वाहिशात को अपनी जरूरत ख्वाहिशात तो दूर की अपनी जरूरत को कुर्बान करके अपनी औलाद की जरूरत पूरी करते हो जो माँ बाप अपनी जरूरत कुर्बान करते करके अपने औलाद की भविष्य बनाने की फिक्र हो वो माँ बाप अपना बुरा कभी सोच सकते हमारा भला सोचते हैं उसमें हमारी हमारी तरक्की है आज इसका खुलासा मालूम है कि माँ बाप की मार औलाद के लिए ऐसी है जैसे खेती के लिए पानी जैसे खेती के लिए बोल बगैर खेती के पानी बगैर पानी के खेती हो सकती है ऐसे माँ बाप की मार डांट डपट हमारी तरबियत के लिए जरूरी है हमारे तरक्की के लिए हमें वो शैतान क्या करता है आदमी को बरगला है तुम्हारा माँ बाप तुम्हारा पाचन बढ़ गया मन वाम करे टोक टोक करे आम करे फरा ठीक हो लेकिन उसमें हमारी तरक्की है हमारी तरबियत है वो तो हमें आगे जब पता चलेगा जिंदगी में बड़े होंगे ना जब जिंदगी में चैलेंजेस मसाइल उलझने हालत आएगी उस वक्त हमें एहसास होगा माँ बाप की तरबियत का वो एक नौजवान आदमी था उसके माँ बाप उसको हमेशा टोकते रहे रूम में लाइट बंद कर प्लीज साफ कर कचरा अब वो रोजाना उसकी तरबियत के लिए क्या करे तो उसको बोझ पड़े कह रहा मारा रोहन आदत पड़ी गई है पड़े ना पेड़ नक्की करो छे ना मारा कोई हिसाब आए थे साफी अरे मारा थे जो फिर बाहर जरूर तक आ छुटकारा मिला हमने दी समझ ना अब उसको ग्रेजुएशन पूरा हो गया तो वो इंटरव्यू के लिए उसके बापने का फलाने जगह तेरे को इंटरव्यू में जाना है तो उसने तो प्राणीगत बना था कि अपना तो पास होना है इंटरव्यू में
समझा ना ये कि आपने रहू नहीं। अब वो तो इंटरव्यू में क्या, और इंटरव्यू में क्या ना, तो जैसे दूसरों का इंटरव्यू पूरा नहीं उसका नंबर आता उसको ऑफिस में बोला है बोले तो तुमको इंटरव्यू में पास कर दिया तुम्हारा इतना पगार, बोलो तैयार हो तो उदाहरण तारीख में पड़ गया ना, पर इरादों से तो डायरेक्टर को कह दादरो चढ़े तो दादरा लाइट चालू लाइट बंद कर दी तो तमाम लाइट चालू वीजी भर तेरे शू लिया कचरो पर तेरे शू लिया पर ते एवं मानसो कि ते आयाल राखो तो आवा माणस ने मारी जरूरत छे कि तमे अमारी कंपनी में रहो तो अमे पोतानुं इंजिन करजो एटले अमे तमने सिलेक्ट कर दिया। वो आदमी की आंखों में आंसू आ गए कि मेरी बाप की तरबियत मुझे यहाँ पर काम लगी, मेरी पढ़ाई काम नहीं, पढ़ने वाले तो बहुत सारे थे उसके पीछे आगे पीछे, लेकिन मेरे बाप की तरबियत काम लगी। बात समझे नहीं समझ रहे? तो माँ बाप कुछ कहवे जान कपट करे तो उसको क्या करने का बोलो, अरे बोलो क्या करेगा, बर्दाश्त करने को, उससे हमारी खैरखाई है हमारी भलाई है। हाँ, और माँ बाप की खिदमत आदमी के लिए दुनिया आखिरत में बड़ी तरक्की का जरिया है। वो एक किताब में वाक्य लिखा है कि तीन दोस्त थे सफर में, एक गुफा के अंदर वो आराम करने के लिए ठहरे, तूफानी बारिश हुई तो ऊपर से पत्थर गिरा और जो गैप था ना गुफा का वहां जाके बंद हो गया। अब क्या कराएगा, बाहर निकल ही नहीं सकते। तो तीनों दोस्तों ने अलग अलग अपने अमल अल्लाह के सामने पेश किए और अल्लाह से दुआ मांगी और उस दुआ से अल्लाह ताला ने उनकी मुसीबत को दूर किया। उसमें एक अमल यह था, एक नौजवान ने दुआ मांगी कि अल्लाह मैं बकरे चला था, शाम को जब वापस आता तो बकरी का दूध निकालता, पहले मैं अपने माँ बाप को पिलाता फिर अपने बीवी बच्चों को पिलाता, एक मरतबा में आया तो मेरे माँ बाप सोए हुए थे तो मैं पूरी रात उनके सामने दूध लेके खड़ा रहा कि ये जागेंगे तो उनको पिलाऊंगा, लेकिन वो सुबह तक नहीं जागे तो मैं सुबह तक वो दूध लेके खड़ा रहा। अल्लाह अगर अमल तेरे लिए किया तो इस मुसीबत से हमको छुटकारा दे दे। तो पत्थर खिसक गया थोड़ा लेकिन उतना नहीं खिसका कि आदमी निकल सके। दूसरे ने दुआ मांगी अल्लाह ताला कि अल्लाह मेरे खानदान में एक लड़की थी जो मुझे बहुत पसंद थी, मैंने उसको गुनाह में फंसाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो पाक दामन थी, वो गुनाह में नहीं फंसी, लेकिन एक दिन उस पर हालात आए, माली तंगी आ गई तो पैसे मांगने के लिए मेरे पास आई, तो मैंने उससे कहा मेरे साथ तुझे बुरा काम करना पड़ेगा तो मैं तुझे पैसा दूंगा। अब वो हालात के मारे जो मजबूर थे वो तैयार होंगे गुनाह के लिए, मैंने उसको पैसे दिए, जब गुनाह करने के लिए जा रहा था उसने आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगी। मैंने कहा क्यों रो रही, मैं तो उसे जबरदस्ती तो नहीं करता, हाँ मैंने गलत काम कभी नहीं किया है, अल्लाह के वास्ते तू मुझे छोड़ दे। बस मेरे दिल में मेरे जिस्म में कपकपी आ गई और मैंने तेरे डर से उस गुनाह से बच गया, अगर तेरे लिए तुझे राजी करने के लिए मैं अमल किया है तो हम इस मुसीबत से निजात देंगे। तो पत्थर और खिसक गए लेकिन इतना कि नहीं खिसका कि एक आदमी निकल सके। फिर तीसरे ने दुआ मांगी कि अल्लाह मेरा एक मजदूर था, मजदूरी कर रहा था, एक दिन नाराज होकर चला गया, मजदूर लिए बगैर चला गया, कुछ मैंने उसकी मजदूरी को एक बकरी खरीदी और वो बकरी से दो चार पांच और इतनी सारी बकरे का पूरा वाड़ा भर गया, इतनी सारी बकरे हो गई। अब कुछ सालों के बाद वो मजदूर आया कि मेरी मजदूरी दे दो, मैंने कहा जी सारे बकरी तेरी गई जा, कहा मजाक मत कर मेरी मजदूरी दे दो, कहा ये मजदूरी में तेरी जो थी उसी मजदूरी से बकरी खरीदी और इससे सारी बकरियां मरी है, अब सारी बकरियां तू ले। वो मजदूर सारी बकरियां लेके चला गया, कल अगर तेले में क्या हो तो हमें इस मुसीबत से निजात दे दे। तो पत्थर और खिसक गया और तीनों दोस्त उस गार में से बाहर निकल गए। तो कहने का मतलब क्या है कि आदमी की नेकी वाली जिंदगी जो है ना वो दुनिया की मुसीबतों से भी नजात का क्या बनता है, जरिया बनता है। नेकी वाली जिंदगी से मरने के बाद तो फायदा होगा ही होगा,
लेकिन नेकी वाली जिंदगी से दुनिया के मसाइल भी आदमी के हल हो जाते हैं, बल्कि दुनिया की मुसीबतों से अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करते हैं। तो आप सबके नौजवानों की जिंदगी जो है ना अभी शुरुआत है, जवानी की शुरुआत है। अगर इस शुरुआत के जमाने में हम अपने आप को गुनाहों से बचाएंगे, अपनी नजरों की खास हिफाजत करें, बाहर का माहौल बड़ा गंदा माहौल है, मोबाइल में भी हम गलत नहीं देखेंगे, देखो मोबाइल का यूज हम सही जगह पर करेंगे, गलत जगह पर नहीं करेंगे। तन्हाई में बैठकर हम गलत नहीं देखेंगे, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन अल्लाह सब देख रहा है, अल्लाह सब देख रहा है। तन्हाई में बैठे अकेले बैठे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। ये तस्वीर हमें होना चाहिए, हाँ अल्लाह का ध्यान हमें होना चाहिए। ये तन्हाई के गुनाह, तन्हाई की नाफरमानियां ये जिंदगियों में फिर मुसीबतें लाएगी, हाँ मुसीबतें लाएगी। तन्हाई के गुनाह जिंदगी में मुसीबतें लाएगी, जैसे एक आदमी तीखा मिर्च मसाले वाला खा रहा है, मजा आ रहा है खाने में, क्या आ रहा है बोलो, बोलो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, मजा आ रहा है हाँ। लेकिन रोजाना खाता रहेगा, कुछ सालों के बाद क्या होगा, गैस एसिडिटी कब्ज टॉयलेट में लोहे पड़वा चालू देंगे, फिर आदमी क्या करेगा, सब तीखा तलावा मिर्च मसाला सब गर्द, डॉक्टर साहब साबुन खोजू हजम नहीं कर, तो गैस थी, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, अभी ज्यादा खाता है, पहले जो खाया था ना वो भी नड़ रहा है, पहले जो खाया था बोलो वो भी नड़ रहा है। तो ऐसे ही आदमी अपनी जिंदगी में गुनाह किए, अभी तो गुनाह करने में मजा आएगा, लेकिन फिर एक गुनाह मुसीबत बनकर जब जिंदगी में आएगा ना, फिर आदमी परेशान हो जाएगा। मौला उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह उसकी मिसाल दी कि आदमी गुनाह करता है तो वाह वाह करता है, फिर जब ये गुनाह मुसीबतों के शक्ल में जिंदगी में आता है फिर आदमी आह आह करता है, समझा ना। इसके लिए हम गुनाह नहीं करेंगे, हम गुनाहों से अपने आप को खूब बचावे, अगर हो जावे तो फौरन अल्लाह ताला से माफी मांग ले, तौबा कर ले, अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है, अल्लाह बड़ा दरगुजर करने वाला है। जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह ताला से माफी मांगता है, तौबा करता है, तो अल्लाह ताला जिंदगी भर के सारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ कर देगा। हाँ अल्लाह ताला अपने बंदों से बड़ा प्यार करता है। एक जन्म के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा कि एक औरत का बच्चा उससे गुम हो गया, औरत बेकरार बेचैन इधर से उधर भाग रही, और एकदम जब उसके बच्चे पर उसकी नजर पड़ी तो उस औरत ने अपने बच्चों को उठाया, गोद में लिया और उसको चूम रही है, भूसा दे रही है, हाँ वर्ण कर रही है अपने बच्चे से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, क्या ये औरत अपने बच्चों को आग में डाल सकती है, बोलो डालेगी, अरे बोलो कोई माँ अपने बेटे को आग में डालेगी, अरे बोलते भी नहीं यार। तो सहाबा ने कहा सला, जब बच्चा थोड़े वक्त के लिए माँ से जुदा हो गया तो माँ इतनी बेचैन और बेकरार हो गई, तो माँ अपने बेटे को आग में कैसे डाल सकती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐसे अल्लाह भी नहीं चाहता अपने बंदों को जहन्नम की आग में डाले, अल्लाह भी नहीं चाहता है। तो अल्लाह ताला अपने बंदों से बड़ा प्यार करता है, बड़ी मोहब्बत करता है। वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने के अंदर एक गवैया था, गाना गाता, लोग पैसे देते उससे उसका गुजरान चलता, तो जब बूढ़ा हो गया आवाज खराब हो गई तो कौन गाना सुनता, अब भूख प्यास हाँ से परेशान होके जन्नतुल बकी में जाके वो अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है, अल्लाह जिंदगी भर तुझे नाराज किया, तेरी नाफरमानी की, अल्लाह अब तुझसे तौबा करता हूँ, ये भूख की वजह से अल्लाह से माफी मांग रहा है, भूख की वजह से अल्लाह के सामने रो रहा है, अल्लाह के खौफ से नहीं भूख की वजह से अल्लाह से मांग रहा है, अल्लाह के सामने रो रहा है, कहला जिंदगी भर तुझे नाराज किया माफ कर दे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहा है, अल्लाह मेरी जरूरत भूख लगी है, अल्लाह खाना दे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद नबी के अंदर अल्लाह ने उनको इल्हाम के जरिए बताया या खौफ के जरिए बताया कि जाओ मेरे बंदे की मदद के लिए। हज़रत उमर जब भागते भागते जन्नतुल बकी में पहुंचे, हज़रत उमर जब आता देखा तो वो गचरवा वो गवैया जो था ना उनको देख के बोलो भागने लगा, क्यों भागने लगा, डर के भागा। हज़रत उमर जब कोड़ा था बहुत मशहूर था, वो सबको कोड़े से समझना,
वो अल्लाह के बंदे भाग रहे भाग नहीं भाग नहीं, मैं आया नहीं, मुझे भेजा है। हाँ किसने भेजा तुमको? हाँ जिस रब को तुम पुकार रहा था उसी रब ने मुझे भेजा है, जिस रब को तुम पुकार रहा था उसी रब ने मुझे भेजा। जिंदगी भर अल्लाह को नाराज करते रहे, जवान बुढ़ापे में अल्लाह से जो रोटी और बोटी के लिए जब अल्लाह को पुकारा, उमर जैसे बादशाह को अल्लाह ने मदद के लिए भेज दिया, उस चरवाहे की एक चीख निकल गई, अल्लाह जिंदगी भर तुझे नाराज करता रहा, बूढ़ा बना कर तुझे पुकारा रोटी और बोटी के लिए, तेरे उमर जैसे बादशाह को मेरी मदद के लिए भेज दिया, अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, और वही चीख मार उसका इंतकाल हो गया। ये अल्लाह तआला अपने बंदों से ऐसा प्यार कर दे, ऐसी मोहब्बत कर दे। तो हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों से तौबा कर लेंगे, अगर गुनाह हो जाए नाफरमानी हो जाए फौरन तौबा कर लेंगे, माफी मांग लेंगे, अल्लाह से कभी नहीं बिगाड़े, नियत करो इंशाल्लाह अल्लाह से कभी नहीं बिगाड़े, अल्लाह से कभी मामला नहीं बिगाड़ेंगे, अल्लाह को कभी नाराज नहीं करेंगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने के अंदर वो गश्त कर रहे थे, है ना, तो एक घर में से आवाज आई, एक माँ अपनी बेटी से कह रही, बेटी दूध में पानी मिला दो। तो बेटी ने कहा कि अम्मा जान मेरे मामा जी ने दूध में पानी मिलाने से मना किया। तो माँ कह रही बेटी अभी तो मोमिन हाथ का अंधेरा हो, 12-11 बज गया है, अंधेरा हो चुका है, अभी तो मोमिन जी कहाँ सोते होंगे, कहाँ देखने वाले, मिला रहे दूध में पानी। ये 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 तस्वीर हमें होना चाहिए, हर वक्त अल्लाह देख रहा है, हम तनहाई में बैठे फोन अपने हाथ में, कोई नहीं देखने वाला, अगर हम कोई गलत चीज अंदर देख रहे हैं तो कोई नहीं देखने वाला, लेकिन अल्लाह हमें देख रहा है, ये तस्वीर हमें होना चाहिए। अगर ये तस्वीर होगा अल्लाह हमें देख रहा है, तो आदमी तनहाई में हो, मजमे में हो, अपने घर में हो, अपने घर से बाहर हो, या अपने गांव से बाहर हो, अपने शहर से बाहर हो, कोई पहचानने वाला नहीं है, लेकिन वहां भी आदमी को तस्वीर होगा मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, आदमी को हर जगह पर गुनाहों से बचना आसान हो जाएगा। तो माँ कह रहे बेटी दूध में पानी मिला ले, कहाँ अमीर मोमिन देखने वाले हैं। लेकिन वो जवान बेटी जो थी वो कह रही अपने माँ से कि अम्मा जान अमीर मोमिन नहीं देख रहे, लेकिन अमीर मोमिनीन का खुदा हमें इस रात के अंधेरे में देख रहा है। तसव्वुर था, ये ध्यान था उस नौजवान लड़की को, इस अंधेरे में अमीर मोमिन नहीं देख रहे लेकिन अल्लाह को हमें देख रहा है। ये अमीर मोमिन ने फिर उस लड़की की शादी अपने बेटे से करा दी और उनकी औलाद में उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा हुए। जब पाकदामन मर्द और पाकदामन लड़कियां जब जिंदगी में एक दूसरों से मिलते हैं, शादियां होती हैं, तो उनकी गोदों में फिर अल्लाह के वली पैदा होते हैं। आज तो मुसलमान नौजवान के शादी के मेयार जो है, हमारा शादी का स्टेटस जो है, हमें शादी करने के लिए जो हमने तय किया है वो क्या है, IELTS कर लो ये हमारा शादी का मेयार ही है। तो फिर शादी के मेयार जब दुनिया होगी तो फिर शादी करने के बाद भी जिंदगी में क्या होगे बोलो, भड़ाके ना धड़ाके हो गए ना। तो एक आदमी ने कहा शादी जो है ना वो क्या है, इलेक्ट्रिक का वायर, इलेक्ट्रिक का वायर जो सही ज्वाइंट है तो अजवार अजवार, है ना, जो खोटा ज्वाइंट है तो धूम धड़ाका, समझ में आया ना। तो हमारा शादी का मेयार क्या है, हमने दुनिया देखी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि मोमिन शादी करेगा तो क्या देख के शादी करेगा, जो खूबसूरती देख के शादी कौन करते हैं, क्योंकि ईसाई लोग, माल देख के शादी क्योंकि यहूदी लोग, और खानदान देख के शादी क्योंकि मुशरिकीन लोग, खानदान देख के मक्का के मुशरिकीन खानदान देख के शादी करते हैं, और दीन देख के शादी मुसलमान देख, मुसलमान दीन देख के शादी करेगा। तो नियत करो इंशाल्लाह हम दीन देख के शादी करेंगे, तो हमें केवल जरूर ना पड़ता है दोस्ती हो जाए, उठावा पैमानी अगर मुसलमान नौजवान अपना मेयर दीन बना देवे तो जितने लड़कियां हैं वो अपने आपको दीनदार बनाएगी, क्या बनाएगी बोलो। आज हमने IELTS अपना मेयर बना तो लड़कियां भी IELTS कर दी, हमने खूबसूरती अपना मेयर बना तो हर लड़की अपने आप को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर दी है।
हैं, अपने आप को बोलो मेकअप करके भी खूबसूरत बनाएगी, है ना। लेकिन मुसलमान नौजवानों के अंदर मियार अगर दीनदारी का होगा, अच्छे अखलाक का होगा, तो हर लड़की अपने आप को अच्छे अखलाक वाले दीनदार बनाएगी, है ना। ये हमारा नबी का दीन है, हमारे नबी ने दीन सिखाया दोस्त। हम अपने स्कूल कॉलेज में अपने आप को पाक दामन बनाएंगे, नेकी के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे, हम किसी पराई औरत को गलत निगाह से नहीं देखेंगे। भाई गैर मुस्लिम लड़का भी लड़कियों को गलत निगाह से देख रहा है, मुसलमान भी पराई लड़कियों को गलत निगाह से देख रहा है, तो उनमें हमें क्या फर्क रहा, क्या फर्क रहा। मुसलमान है हम, ईमान वाले हैं, हम अपनी नजरों को गंदा नहीं करेंगे, अपनी नजरों को झुकाकर चलेंगे। जो आदमी, जो नौजवान अपनी नजरों को झुकाता है, अपनी नजरों की हिफाजत करता है, वो नौजवान अल्लाह के नजदीक इतना पसंदीदा है, वो नौजवान अल्लाह के नजदीक इतना कीमती है, वो नौजवान अल्लाह के सामने जो मांगता है अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। अल्लाह के नजदीक उस नौजवान की कितनी कदर है, कीमत है। हम अपने आप को पाक दामन बना गए, अपनी नजरों को झुकाकर चले। एक सहाबी को काफिरों ने कैद कर लिया और कैद करके उनके सामने सुअर का गोश्त, पीने के लिए शराब और एक खूबसूरत नौजवान लड़की को जेल में कर दिया, तो उसको बहकाओ, फुसलाओ और गुनाह में फंसाओ। 3 दिन तक उस औरत ने कोशिश किया गुनाह में फंसाने की, कोई नहीं है जेल में, अकेले है, खूबसूरत नौजवान लड़की है। 3 दिन कोशिश किया, 3 दिन के अंदर उन्होंने आंख उठाकर एक मर्तबा उस लड़की के सामने देखा तक नहीं। 3 दिन लड़की कहने लगी, उस हद तक पहुंच चुकी है, मेरे लिए शराब पीना भी हलाल है, लेकिन न मैं शराब पीऊंगा, न सुअर का गोश्त खाऊंगा, न तेरे तरफ आंख उठाकर देखूंगा। क्यों? ये हमारे दीन की, हमारे इस्लाम की हमको ये तालीम है कि हम किसी पराई औरत को गलत निगाह से नहीं देख सकते। उस नौजवान लड़की ने कहा, तो फिर मैं भी तुझे फांसी के फंदे पर चढ़ने नहीं दूंगी, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी, मैं तुझे इस जेल से बाहर निकालूंगी। और वो लड़की जेल से बाहर निकली और बादशाह ईसा बादशाह के पास गई कि ये नौजवान कैसा है, पत्थर जैसा, उसको तो गुनाह में फंसा ही नहीं सकती, और बात सारी बना दी। और रात का जब अंधेरा हुआ, तो उस रात के अंधेरे में कुछ खाना लेकर आई वो लड़की, और जेल का दरवाजा खोला, और जेल का दरवाजा खोल के कहा, देखो इस सितारे को अपने सीधे कंधे की तरफ रख के सीधे चले चले जाना, 24 घंटे के बाद आप अपने मुल्क के अंदर पहुंच जाओ। और उस नौजवान लड़की ने वो सहाबी को जेल से निकाला और जो अपने वतन की तरफ भेज दिया। तो कहने का मतलब दोस्त बुजुर्गों कि मुसलमान जो है पाक दामन होता है, मुसलमान किसी पराई लड़की को गलत निगाह से नहीं देखता। एक जमात जो है फॉरेन मुल्क में चल रही थी, तो एक जगह से दूसरी जगह पर बाय रोड जमात जा रही थी, तो नमाज का वक्त हुआ, तो जमात एक पार्क के अंदर ठहरी, जमात के साथ ही नमाज पढ़ रहे थे, वजू करके जमात बाजमात नमाज पढ़ रहे थे। तो नमाज पढ़ रहे थे तो कुछ नौजवान लड़कियां, यूरोपियन लड़कियां वहां आके देखने लगी, और देखते वो ताज्जुब से देख रहे कि उठक बैठक क्या कर रहे। जब नमाज खत्म हुई, तो नमाज खत्म होने के बाद लड़की ने पूछा, ये क्या कर रहे हैं? हम नमाज पढ़ रहे हैं, अपने रब की इबादत कर रहे हैं। कहे आज संडे तो नहीं है? यानी वहां उनके लोग चर्च में कब जाते हैं? संडे को जाते हैं। क्या आज संडे तो नहीं है?
तो उन्होंने कहा कि हम तो दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते हैं। कितने मरतबा? तो ताज्जुब में पड़ गए, हम संडे भी मुश्किल से आते, दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते हो। फिर उन्होंने इस्लाम के बारे में कुछ सवाल किए, जमात के साथी ने जवाब दिए, और फिर लास्ट में उसने, उस लड़की ने जो हाथ मिलाने के लिए उस हाथ लंबा किया, मिलेगा चलो सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम कह दिए ना, कैसे वो लड़की ने हाथ मिलाने के लिए हाथ लंबा किया, तो जमात के साथी ने कहा कि सॉरी माफ करना, हम आपको हाथ नहीं मिला सकते, आपको टच नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ तो आसान है गुनाह करना, जीना करना, हाँ कोई फैमिली सिस्टम ही वहाँ पर नहीं है, जो जिसके साथ जाना घूमो फिरो, हाँ तो उन्होंने कहा हम आपसे हाथ नहीं मिला सकते, सॉरी माफ करना क्या। तो वो ताज्जुब पे पड़ गए, क्यों? कहा मेरा जिस्म जो है ये मेरी बीवी के लिए अमानत है, मेरा जिस्म मेरी बीवी के लिए अमानत है, मैं अपने जिस्म को किसी पराई लड़की को टच नहीं कर सकता। उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते लड़की कहने लगी, काश तुम्हारे जैसे नौजवान हमारे मुल्क में होते, काश तुम्हारे जैसे नौजवान हमारे मुल्क में होते, हमारे मुल्क के नौजवान हमें टिश्यू पेपर बना दिया है, यूज करके फेंक देते हैं। ठीक, इस्लामी जिंदगी दोस्तों हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई है कि मुसलमान जो है पाक दामन होता है, मुसलमान किसी पराई औरत को टच करना तो दूर की बात है, मुसलमान नौजवान अपनी निगाह से किसी पराई लड़की को गलत निगाह से देखा है भाई, अपने स्कूल में कॉलेज में अपने मोहल्ले और सोसाइटी में हम अपनी नजरों को झुकाकर चले, अपने आप को पाकदामन बनाएंगे, पाकदामनी के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे, तो पाकदामनी के साथ हम जिंदगी गुजारेंगे तो हमारी कीमत हमारी वैल्यू अल्लाह के नजदीक वो बनेगी कि हम दुआ में अल्लाह के सामने जो मांगेंगे अल्लाह ताला हमारी जरूरत को पूरी करेगा, इतना अल्लाह के नजदीक अल्लाह हमें कीमती बना देगा, हम अल्लाह के वाले बन जाएंगे, अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे। ये जिंदगी सीखने के लिए दोस्तों बुजुर्ग अल्लाह ताला ने हमें मेहनत की, ये जो चिल्ले 4 महीने 3 दिन गौस मुलाकात तालीम मुकामी मेहनत, ये सारी मेहनत दोस्तों इसलिए क्योंकि खूबियां अच्छाइयां जिंदगी में लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बुराइयां लाने की कोई मेहनत नहीं है, अच्छाइयां लाने की मेहनत करनी पड़ती है, बुराइयां तो खुद ब खुद जिंदगी में आ जाती है, जब आदमी अच्छा बनने की मेहनत नहीं करेगा तो बुराइयां जिंदगी में खुद ब खुद आ जाएगी। कोई स्कूल कॉलेज में गालियां नहीं सिखाते, गालियों की कोई भूख भी नहीं है, देखो भूख है गालियों की, तो बच्चे गालियां कहां से सीखते हैं? तो अच्छा बनने की मेहनत नहीं होगी तो बुरा खुद बखुद बन जाएगा, उजाला लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अंधेरा लाने के लिए वायरिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उजाला करना है तो उसके लिए वायरिंग करना पड़ेगा। ऐसे खेत में कांटे उगाना तो उसके लिए हल चलाने की जरूरत नहीं है, कांटे तो खुद बखुद उगेंगे, लेकिन जो गेहूं चावल बाजरी फल फ्रूट उगाना है तो उसके लिए हल चलाना पड़ेगा, बीज डालना पड़ेगा, खेत में पानी डालना पड़ेगा, खाद डालना पड़ेगा, तब वो जो फसल तैयार होगी। ऐसी दोस्तों बुजुर्गो हमारी जिंदगी में अच्छे लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे तो अच्छे खूबियां हमारी जिंदगी में आएगी, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगी में अच्छे नहीं आएगी, बल्कि बुरा माहौल चारों तरफ है, हम बुराइयों का शिकार हो जाएंगे, बुराई हमारी जिंदगी में आ जाएगी। इसके लिए रोजाना अपनी मस्जिद के मसूरे में पाबंदी के साथ हम बैठे, खुद भी बैठे, दूसरे नौजवानों को बिठाने की कोशिश करें, फजाइल सुनाए, फजाइल मेहनत होना ताना तस्नी नहीं हमारे काम में, हम किसी को मेहनत होना नहीं मानेंगे, ताना तस्नी आराधन के लोग हम तो नहीं हो रही, प्यार मोहब्बत से समझाएंगे, प्यार मोहब्बत से समझा के उनको अपने मस्जिद के मसूरे में जोड़ना, रोजाना अपने मोहल्ले में अपने नौजवानों की मुलाकात करना, रोजाना मुलाकात में हमारा वक्त लगना चाहिए, रोजाना मुलाकात करके उसको ईमान अमल आखिरत की बात समझा, जिस दिन हमारा गस का दिन हो उस दिन हम गस में जुड़े, हम रोजाना हफ्ता रोजाना मुलाकात में भी चलेंगे और हफ्ते में जो गस है उस गस में भी हमारे नौजवान जितने स्टूडेंट है वो स्टूडेंट भी अपने जो गस में जुड़ने की फिक्र करें, जिस दिन हमारा गस का दिन होगा उस दिन हमारे जितने स्टूडेंट है बल्कि स्टूडेंट के अलावा जितने बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते नहीं है लेकिन उम्र उनकी स्टूडेंट की है, भाई 18 साल है 20 साल है 22 साल है, स्टूडेंट नहीं है पढ़ते नहीं पढ़ाई छोड़ दिए, लेकिन ऐसे को भी मुलाकात हम करें, ऐसे की मुलाकात करके उनको भी अपने काम में जोड़ने की गश्त में जोड़ने की फिक्र करें। जिस दिन जुमेरात का इज्तिमा हो तो जुमेरात के दिन सुबह में जितने हमारे स्टूडेंट है सबको जुमेरात की दावत दे, गश्त के दिन सुबह में सबको गश्त की दावत दे दे ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट गश्तों में मुलाकातों में जुड़ने वाले बने और
मैं पाबंदी के साथ हम 3 दिन लगा छुट्टी नहीं मिले तो 24 घंटे लगा। आखिरी दर्जे में हमारे स्टूडेंट के हर 15 दिन में 24 घंटे लगे। अगर पाबंदी के साथ 24 घंटे लगाते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारे तो दिन की आखिरत की फिक्र बढ़ती जाएगी और अल्लाह ताला हमसे दीन का काम लेगी। जिस फील्ड में जाएंगे दीन और ईमान और इस्लाम के साथ जिंदगी गुजार सकेंगे और हमारे जरिए दूसरे मुसलमानों की दीन और ईमान की हिफाजत जताएंगे। अल्लाह ताला हमसे दीन का काम लेंगे और जब दीन की मेहनत करेंगे तो उस पर अल्लाह ताला का वादा है कि जो मेरे दीन की मदद करेगा मैं उसकी मदद करूंगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है कि अल्लाह जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की मदद करे तो उसकी मदद करूं। तो हम अल्लाह के दीन की मदद करेंगे तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। जैसे एक आदमी नौकरी करता है, आदमी सेठ का काम ईमानदारी से करता है तो सेठ उसका भी काम करता है। भाई घर में कोई बीमार होगा सेठ ब्याजा ने जरूर छापा तो सेठ क्या करेगा? क्यों? और वो ईमानदार नौकर है, बहुत सारा छोड़ वो ईमानदार नौकर सेठ उसका काम। शादी है सिर्फ मारो शादी है ले 10,000 रुपये वापस जाए, क्यों? मेरा ईमानदार नौकर। जब आदमी ईमानदारी से सेठ का काम करता है तो सेठ उस नौकर का काम करता है। ऐसे हम अल्लाह के दीन की मेहनत करेंगे, हम अल्लाह के दीन का काम करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी जरूर मदद करेगा, अल्लाह ताला हमारे जरूर काम बनाएगा। बल्कि जिंदगी के हर मोड़ में, जिंदगी के हर हाल में अल्लाह हमारा साथी होगा, अल्लाह हमारा दोस्त होगा, अल्लाह हमारा सहारा बनेगा, अल्लाह हमारा मुईन और मददगार बनेगा। अल्लाह हमें बेसहारा नहीं छोड़ेगा, अल्लाह हमें बेसहारा नहीं छोड़ेगा। इसके लिए अल्लाह की मदद को हासिल करने के लिए हम अल्लाह की दीन की मदद करेंगे, अल्लाह के दीन का काम करेंगे। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन है। हमारे नबी के बाद दुनिया में कोई नबी आने वाले बोलो नहीं है। हमारे नबी के बाद अब दुनिया में कोई नबी नहीं आएंगे, हमारे नबी आखिरी नबी है। तो आखिरी नबी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो हमारे नबी तो पूरी दुनिया के इंसानों के लिए और कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए नबी है। तो पूरी दुनिया के अंदर और कयामत तक आने वाले इंसानों के अंदर दीन जिंदा हो जावे, अल्लाह का कलमा जिंदा हो जावे, नबी के तरीके जिंदा हो जावे, इसके लिए नबी वाला काम लेके पूरी दुनिया में इंशाल्लाह जाएंगे। नियत करें सब इंशाल्लाह। लोग दुनिया कमाने के लिए दुनिया में जाते हैं, हम दीन को लेके दुनिया में जाएंगे इंशाल्लाह। सब नियत करते हैं इंशाल्लाह, कौन कौन नियत करता है? हम पूरी दुनिया में जाएंगे। हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई इस नियत से करें कि इससे दीन को फायदा हो जावे। क्या हो जाए बोलो भाई, बताए को फायदा हो जावे। हम दुनिया की नियत से नहीं करेंगे, दीन के फायदे के लिए, दीन को दुनिया में फैलाने के लिए, लोगों को नफा पहुंचाने के लिए अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हमारी पढ़ाई भी दीन बन जाएगी, हमारी पढ़ाई भी इबादत बन जाएगी। हमारे बहुत सारे नौजवान बच्चों, नौजवानों ने अल्लाह के दीन की निस्बत पर, अल्लाह के दीन को दुनिया में फैलाने की निस्बत पर मुल्कों का सफर किया। हमारे कितने जवान फॉरेन जाते हैं भाई, फिजी से लेके यहाँ चिली तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक बहुत सारी जमातें अलग अलग मुल्कों में अल्लाह के दीन की निस्बत पर गई। हम भी अल्लाह के दीन की निस्बत पर मुल्कों में जाएंगे इंशाल्लाह, है ना। और अल्लाह के कलमे को दुनिया में पहुंचाने की हम कोशिश और फिक्र करेंगे। हुजरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के अंदर थे तो उस वक्त 7,5,000 सहाबा का मजमा था। जो हाजिर थे हज में वो, बाकी जो हाजिर ना हो सके वो तो अलग है। हुजरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो हज में हाजिर थे वो 7,50,000 का मजमा थे। आज मक्का और मदीना में 12,000 या 16,000 के करीब करीब सहाबा की कब्रें हैं, बाकी सारे सहाबा कहाँ चले गए? पूरी दुनिया में फैल गए और पूरी दुनिया में अल्लाह के कलमे को दुनिया में बुलंद करने के लिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन दुनिया में चमक जावे उसके लिए उन्होंने मक्का और मदीना जैसी पाक और सरजमीन जो जमीन को छोड़कर पूरी दुनिया में फैल गई। हर मुसलमान की दुनिया में तमन्ना होती है कि भाई हम मक्का मदीना जावे, अल्लाह के घर का दीदार करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोजे मुबारक का दीदार करे। हर मुसलमान की दिल की तमन्ना होती है, हर मुसलमान के दिल की तमन्ना होती है कि वहाँ की मौत नसीब हो जाए।
हम जन्नत उलवकी के पैवन बन जावे। हर मुसलमान के दिल की तमन्ना होती है जहाँ एक नमाज का एक लाख नमाज पढ़ने का सवाब है, मदीना शरीफ में एक नमाज पढ़ेंगे 50,000 का सवाब है। ऐसी सरजमीन को छोड़कर सहाबा दुनिया में पहुंचे और अपनी कब्रों को दुनिया के अलग अलग मुल्कों में बना दिए। सोचिए क्या मकसद था, माल मुल्क चीजें घुसले गए थे? नहीं दोस्त बुजुर्गो, अल्लाह के कलमे को दुनिया में बुलंद करने के लिए गए कि नबी का कलमा दुनिया में बुलंद हो जावे, अल्लाह का कलमा दुनिया में पहुंच जावे, दुनिया की तमाम इंसानियत अल्लाह को पहचानने वाली बन जावे, अल्लाह को ओरखने वाली बन जावे और अल्लाह को राजी करके, अल्लाह को पहचान के, अल्लाह की इबादत करके दुनिया में जिंदगी गुजारने वाली बन जावे। इसके लिए नबी के दीन को लेके पूरी दुनिया में फैल। एक सहाबी समंदर के अंदर अपने घोड़े के दो पैर डालकर अल्लाह से कह रहे, अल्लाह अगर मुझे पता होता कि इस समंदर के उस पार दुनिया में कोई इंसानियत है, कोई दुनिया बसती है, तो हम उधर जाके भी तेरे कलमे को दुनिया में पहुंचा देते। सहाबा की तमन्ना ही थी। दोस्त बुजुर्गों, हमारी दिल की चाहत होनी चाहिए और दुआ में अल्लाह से मांगते भी रहे कि अल्लाह हमें तेरे दिन की मेहनत के हमें कबूल कर, हमारे जवानों को तेरे दीन को दुनिया में फैलाने के लिए अल्लाह हमारे जवानों को कबूल कर ले। अल्लाह से मांगे, ये मांगने की चीज है, जिसको अल्लाह ताला अपने दीन की मेहनत के लिए कबूल कर ले उसके लिए दुनिया में कोई रुकावट नहीं बनती है। इसके लिए दो रकात नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से मांगे कि अल्लाह तो हमें अपने दीन की मेहनत के लिए कबूल कर ले। आप सोचे किसी के पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल मुबारक हो वो कितना खुश नसीब। अरे बोलो है कि नहीं? अरे बोलते नहीं यार जी। किसी के पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा मुबारक हो तो बोलो खुश नसीब है कि नहीं? अरे बोलो। बहुत धीरे बोलते हैं। किसी के पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक हो तो बोलो है कि नहीं खुश नसीब? बहुत धीरे बोलते हैं। पीछे आवाज नहीं आ रही पीछे से। पीछे वाले बोलते हैं, सुनाई देता कि नहीं भाई? भाई जिसके पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक हो वो खुश नसीब है कि नहीं? एक साथ में बोलो ना। हाँ ये बराबर आई आवाज। जिसका ताल्लुक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के साथ है वो कितना खुश नसीब है, वो बंदा कितना खुश नसीब है जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम और फिकर और दर्द मिल जावे जिसका ताल्लुक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के साथ। बोलो किसके साथ है? बोलो किसके साथ है? दिल के। क्या फिकर थी हमारे नबी को, क्या डर था कि मेरी उम्मत जहन्नम से बच के जन्नत में जाने वाली बन जाए? वो फिकर और दर्द हमारे अंदर पैदा हो जावे, इसके लिए रोजाना अपने गश्तों में, रोजाना मुलाकातों में चलना फिरना, लोगों को समझाना हो गया। बहुत सारे लोग मुंह भी गाड़ेंगे, जाना भाजो टाइम नहीं, तुम्हारे रोज मुलाकात कराइए बोलेंगे बोलने वाले, लेकिन अल्लाह के लिए उसको बर्दाश्त करना, सुनना और उनके लिए भी नाम लेके दुआएं करेंगे। हम उनके लिए बोला नहीं सोचेंगे, उनके लिए भी नाम लेके दुआएं करेंगे, अल्लाह उनको भी तेरी दीन की मेहनत के लिए कबूल कर, अल्लाह से मांगे। तो मेहनत करना और अल्लाह ताला से मांगते रहना, रोते रहना, अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएंगे, मेहनत करेंगे तो हमारी मेहनत और दुआओं को अल्लाह ताला जाया नहीं करेंगे। हमारे समझाने से एक बंदा भी अगर सीधी जिंदगी सीधी राह पर आ गया, हमारे समझाने पर एक बंदा अपनी जिंदगी को बदल दिया, एक मुसलमान ने भी अपनी जिंदगी बदल दिया, तो दोस्त बुजुर्गो वो जिंदगी भर जितने नेक काम करेंगे उसका सारा अजर सब अल्लाह ताला हमें अता फरमाएगा, सारा अजर सब अल्लाह ताला हमें अता फरमाएगा। इसके लिए हमें खुद से अपने आप को नेक बनाने की मेहनत कोशिश करना, हमें खुद से नमाजों की पाबंदी करना, अपने स्कूल कॉलेज में अपने आप को पाकदाबन बनाना, अच्छे अखलाक से रहना, अपने माँ बाप की खिदमत करना, अपने बड़ों की इज्जत करना, अपने उस्ताद की, अपने टीचर की, हर एक की इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना। हम किसी के सामने जो है बदअखलाकी से पेश नहीं आएंगे, हर एक अखलाक से पेश आएंगे। हमारे अखलाक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे अखलाक थे ऐसे अखलाक हमारे बंदे चाहिए। सबकी मुस्कान ऊंची हो गई, आवाज आई, डर के मारा तो नहीं हुआ ना?
घबरा तो नहीं गए तो वादा नहीं। तो हमारे अखलाक दोस्त बुजुर्गो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक होने चाहिए। नबी वाले अखलाक जिंदगी में होंगे तो दुनिया तुम्हारे गुलाम बन जाएगी। हाँ, नबी के अखलाक में कसीस है, जैसे लोहे चुंबक अगर कोई लोखंड मुके तो सुधर, लोखंड दूर जब बोले सुधर, लोखंड बोलो सुधर, दूर है या नजीक आ। ऐसे ही दोस्त बुजुर्गो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक में वो लोहे चुंबक जैसा आकर्षण। हाँ, नबी वाले अखलाक अगर हर मुसलमान के दोस्तों बन जावे तो दुनिया दोस्तों हमारे कदमों के सामने गिर जाएगी। हाँ, नबी के अखलाक ऐसे। तो हम मेहनत करके अपनी जिंदगी में नबी वाले अखलाक बनाएंगे। ये मेहनत इसलिए है, तो मेहनत से हमारी जिंदगी में खूबियां सिफत आएगी। तो हम नियत और इरादा करें कि अल्लाह के दीन की मेहनत मौत तक करेंगे, सब करेंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह की दीन की मेहनत को लेकर पूरी दुनिया में जाएंगे इंशाल्लाह, भाई जाएंगे इंशाल्लाह। इसके लिए अपने आप को सिफात वाला बनाना, क्योंकि पैसों से नहीं जाएगा आदमी, आदमी के अंदर वो खूबियां और सिफात हो, मेहनत करके अपने आप को बनावे। इसके लिए दोस्त बुजुर्गो हम अपनी पढ़ाई में दिल लगाकर मेहनत करके पढ़ाई करेंगे। अपने स्कूल का जो वैकेशन हो उस वैकेशन में 40 दिन लगाएंगे, जब अपनी पढ़ाई खत्म होगी तो सबसे पहले 4 महीने लगाएंगे। कितने महीने लगाएंगे बोलो? इस काम को सीखने के लिए सबसे पहले 4 महीने, इस काम की ABCD जो है ना, पहले 4 महीने। दुनिया के बातिल मजहब वाले अपने दीन की तबलीग के लिए 2-2 साल लगा दे, कितना लगा दे? ये गैर जो है ईसाई जो है वो अपनी दीन की तबलीग के लिए अफ्रीका के जंगलों में जहाँ लाइट नहीं, पानी नहीं, बड़े बड़े मच्छर है, वहां पर 2-2 साल लगा दे, कितने साल बोलो? तो हमारे लिए 4 महीने मुश्किल। तो नियत करो इंशाल्लाह अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद सबसे पहले 4 महीने लगाएंगे। कौन को नियत करता है? माशाल्लाह। शैतान क्या समझाएगा? पहले सेट हो जाएगा, क्या समझाएगा? पहले सेट हो जाएगा, फिर इत्मीनान से 4 महीने लगाएंगे। ये शैतान का धोखा है। आदमी जो है अगर शैतान के धोखे में आके अगर आदमी ने पढ़ाई खत्म होने के बाद फौरन 4 महीने नहीं लगाए और किसी काम धंधे में नौकरी में सेट हो गया, फिर 4 महीने लगाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन शैतान वही तदबीर करता है कि किसी हाल में 4 महीने लगा, क्यों? ये 4 महीने लगाएगा तो एक नहीं बनेगा, उसका पूरा खानदान बनेगा, उसकी पूरी नस्ल बनेगी, और उस न जाने कितने लोगों को मेहनत करके लोगों की जिंदगी सुधारेगा, तो मेरी तो मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो शैतान लगाना नहीं देगा। हाँ, शैतान न जाने कैसी कैसी तदबीर करेगा, ये काम है, फलाना काम है, ढेगना काम है, और किसी तरह आदमी के इरादों को पोस्टपोन कराएगा, ना नहीं कहेगा नहीं जाना है, तो अभी नहीं फंसी जाएगी, अभी नहीं फंसी जाएगी। ये शैतान आदमी को यह वसवार सा डाल के आदमी के इरादे को पोस्टपोन कराएगी। तो सबसे पहले अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद 4 महीने लगाएंगे। सब नियत करते हैं इंशाल्लाह, समझने में कौन कौन कहता है कि इंशाल्लाह मैं 4 महीने के लिए तैयार हूँ? जिनकी फाइनल ईयर है, जो इसका पढ़ाई खत्म हो रही है, वो कौन कहता है कि इस साल में 4 महीने के लिए खड़े हो गए? ये साल 4 महीने